हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके सामने विश्व दुनिया का पहला सलाह जादूगर जितेंद्र सिंह बब्बर। हाँ दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन आपको सिखाने जा रहा हूँ एक आइटम। माय चैनल सन गुरुदीप सिंह बब्बर आप देख रहे हैं, नीचे पट्टी चल रही है उसके अंदर देखते रहिए। फोन नंबर, मोबाइल नंबर आप अपने ज्यादा दोस्तों को बता सकते हैं। ये है मेरे पास एक कैंडल। कैंडल को लगाने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से लंबी कैंडल आप जो होती है वो ले लें, उसको थोड़ा सा हिस्सा काट लें ब्लेड से और इसके अंदर लगा दें। अगर थोड़ी कैंडल मोटी है तो उसको ब्लेड से आप छिल कर इसके अंदर फंसा सकते हैं और थोड़ा सा एक दूसरी कैंडल से जलाकर इसके अंदर रख दें ताकि ये फिक्स हो जाए, निकले नहीं बाहर। उसकी बूंदियाँ इसकी तरह से टपका दें और उसके ऊपर ये छोटा सा हिस्सा ऊपर रख दें। ये बहुत ही बेहतरीन आइटम है। फिर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से पकड़ेंगे, इसको ऐसे दो बार तीन बार ऐसे ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद में इसको पकड़े रखेंगे और ऊपर से भी पकड़े रखेंगे, ऊपर से भी ऐसे दबाना चाहते हैं दबा के रख सकते हैं। फिर आप रुमाल लेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर ले जाएंगे। मैं बिना रुमाल के दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे पकड़ के आप जितना लंबा चाहें उतना लंबा ले जाएं और इसको थोड़ा सा ऐसे दबा दें। दबाने से ये कैंडल नीचे नहीं गिरेगी। जब आप रुमाल ऐसे करेंगे तो इसको आप जलाएंगे और रोशन करेंगे, रोशन कहीं से भी आप निकाल लें, लाइटर या माचिस, इसको जलाएं। फिर आप इस जब दिखाएंगे इसको ऊपर रखना है, इस हाथ को आप नीचे से उंगली से इसको पकड़ लें ताकि ये सीधा रहे और ऊपर से इसको रुमाल को ऐसे अपने हाथ के पंजे से चौड़ा करके रखें इस तरह से और इसको फूंक मारते हुए बुझा दें। बुझाते ही आप इसको इस तरह से छोड़ेंगे, ऊपर से इसको ढीला करेंगे तो ये गायब हो जाएगी इस तरह से। आपको मैंने धीरे धीरे करके दिखाया है, अब मैं थोड़ा तेज़ी से दिखा रहा हूँ आपको। इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे ही करेंगे तो ये गिर जाएगी और उसके ऊपर आप रुमाल इस तरह से डाल दें और जाके इसको ऐसे झटक दें। ये हैंड हाथ नीचे ले जाएं, इसको ऐसे पकड़ लें, बहुत ही बेहतरीन है। अब आप दूसरा ट्रिक दिखा रहा हूँ मैं इसका। ये कैंडल पहले बना के रखें, ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ, कैंडल नहीं थी तब हमने कैंडल को बनाना है। ये आपके सामने रुमाल ऐसे पहले पकड़ के रखें, ऐसे इस तरह से रुमाल पकड़ लें ऐसे, ठीक है। फिर आप इधर से रुमाल पकड़ें और इसको हिस्से को ऐसे पकड़ के कस के तो ऊपर ले जाएं। अब पहले मैंने कैंडल गायब की थी, अब मैं कैंडल आपके सामने ला रहा हूँ। ये ऐसे कैंडल आ जाएगी तो आप इसको ऐसे झटक दें, फिर आप माचिस से लाइटर से किसी भी हिस्से को जलाएं, रोशन करें और देखें। फिर आप इसको गैप करना है तो फिर से आप ऐसे इसकी आगे करेंगे तो उसको फूंक मारेंगे, इसको फूंक मारेंगे तो इसको ऐसे करते हुए तो इसको आगे से नीचे से पकड़ेंगे ऐसे और उसको ऐसे करते हुए ऐसे छोड़ेंगे तो ये साथ में पकड़ देंगे, ऐसे झटका मारेंगे या फिर आप नीचे रखेंगे तो भी किसी भी तरह से आपकी सेटिंग जो होती है वो आप कर सकते हैं। बस एक रुमाल है और ये है कैंडल। एक तरफ कैंडल है मोमबत्ती और एक तरफ हुक बना हुआ है। जिस साइड में कैंडल है उसको आप साइड में रहने दें और जिस साइड में हुक बना हुआ है उसको आप थोड़ा सा ऐसे खींच लें और इधर आप रुमाल है इसकी चोंच इस तरह से आप डालें और इसको आप गांठ लगा दें, ये ध्यान से डालें आप और इस तरह से डाल के आप इसके अंदर नॉट गांठ लगा सकते हैं इस तरह से और इसको कस के बंद कर लें इस तरह से। फिर आप इस रुमाल को ऐसे दिख लें, इस तरह से लग रहा है आपको। फिर आप इस कैंडल को ऊपर से पकड़ें और साइड से नीचे से पकड़ें और इसको आप इस तरह से जिधर को लिपटा हुआ है उसी साइड से आप तीन बार
लपेटेंगे और इसको वापस इस तरह से खींचेंगे और रुमाल आपके सामने अंदर जा रहा है, इसको थोड़ा सा और टाइट कर लें, ज़्यादा नहीं टाइट करना है क्योंकि ये अपने आप खुलनी चाहिए बाद में। ऐसे आपने रखा और उसको नीचे से प्रेस किया, दबा दिया। ये कैंडल है, इसको आप जलाएंगे, रोशन करेंगे लाइटर से, माचिस से, किसी भी चीज़ से, और इसको फीते को आप ध्यान रखें कि बैठा हो, इसको सीधा कर लें। ओके, अब आपको जलाने में आसानी रहेगी। और इस तरह से ये कैंडल है आपके सामने। अब आप कैंडल को इस तरह से दो उंगली से, थंब से, अंगूठे से पकड़ेंगे और जैसे ही पकड़ेंगे आप इसको गैप करेंगे, मंत्र लगाएंगे, जो भी कुछ करेंगे आप, तो इसको आप ऐसे करेंगे, उसको नीचे से छोड़ेंगे तो ये आपके हाथ में, जब आप कैंडल आएगी, एक कैंडल गैप होगी और रुमाल आएगा, इसको आप थोड़ा सा हिला के दिखाएंगे रुमाल को, वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखिए, ये इसको आपने ऐसे जल्दी से अपने हाथ में पकड़ लेना है और इसको ऐसे हिला देना है। बहुत ही प्यारा खेल है, अच्छा खेल है आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको कोई भी जादू की आइटम परचेज करनी हो, खरीदनी हो, तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, हमसे आप खरीद भी सकते हैं। तो नीचे नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, तो इन नंबर के ऊपर आप कॉल कीजिए और हमसे व्हाट्सएप के ऊपर भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक के ऊपर का लिंक मैं आपको नीचे दिया है, आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप कोई भी जादू की आइटम खरीदना चाहें, सीखना चाहें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको नीचे दिए जा रहे हैं और वीडियो के फ्रंट में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं। तो चलिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए। थैंक यू। और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल गुरदीप सिंह बबर में। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने जा रहा हूँ, एवरी सैटरडे और संडे आपके लिए कुछ लेके आता हूँ सिखाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन उसके बाद बजा लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो घंटे और ऑप्शन होगा, काले रंग कर दीजिए उसको, और नीचे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट आप वीडियोस किस स्टाइल से देखना चाहेंगे, वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, वॉच कीजिए, और प्लेलिस्ट के अंदर आप जा सकते हैं चैनल की, और उसके अंदर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप कैटेगरीज वाइज दिया हुआ है, आप कौन सी कैटेगरीज आपको पसंद है उस कैटेगरी के अंदर जाइए और उस टाइप का मैजिक देखिए। और एक उसके अंदर लर्न मैजिक की भी कैटेगरी है, जादू सीखने का कैटेगरी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं जादू। उसके अंदर आपको सारी वीडियोस दी जाएंगी जिससे आप घर बैठे मैजिक जादू सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन आपके पास आ चुका है, इसको आप क्लिक कर लीजिए मेरे हर मैजिक के बारे में नोटिफिकेशन के लिए और कुछ मैजिक सीखने के लिए। तो इस तरह से आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है। तो यहाँ से आप शेयर के ऊपर क्लिक करें, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कहीं पर भी आप चाहें वहाँ पर आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं।